ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 11 दिसंबर 2020, फ्राइडे है, सुबह के 8:36 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने देखा एक्सपायरी का दिन था, वीकली एक्सपायरी का दिन, और निफ्टी ने एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग अभी करेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर जो प्रीवियस हाई है, ऑल टाइम हाई, उसको ब्रेक करके निफ्टी इंडेक्स और नया हाई क्रिएट करेगा? तो क्या टेक्निकल लेवल्स होंगे, सपोर्ट कहाँ पर होगा, रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा, ये आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल हमने ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर मार्क किया था, 13,549 हमारा ब्रेकआउट लेवल था, और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,489। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग जो हमने फर्स्ट टारगेट मार्क किया था, उसी के आसपास निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव हुआ। और पूरे दिन एक जो मिड टाइम फेज था, इसमें ये एक साइडवेज पैटर्न में ये ट्रेड हो रहा था। तो जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था, मार्केट ओपन होने से पहले जो प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग पूरे दिन भर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो ये जो इसने बेस एक क्रिएट किया, सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट किया है, लगातार 4 टाइम इस लेवल को इसने पेनेट्रेट किया 13,400 के पास, और यहाँ से ये फिर से रिकवर होते हुए बाउंस बैक इसने दिखाया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। आज क्या हो सकता है तो वो आइडेंटिफाई करेंगे टेक्निकल लेवल्स को, लेकिन ग्लोबल मार्केट के हालात भी देखना काफ़ी ज़रूरी होते हैं। कल अमेरिकी बाजार देखे नासडैक, तो फिर से एक बार वहाँ पर जो गिरावट आई थी एक दिन पहले, तो वहाँ पर फिर से एक बार बाउंस बैक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कल एक्सपायरी दिन था निफ्टी का और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत ज़रूरी था। नए हाईस क्रिएट कर रहा है निफ्टी इंडेक्स, तो काफ़ी बुलिश मार्केट है इस समय। तो अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, वो सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो और निफ्टी में हमें नए हाईस क्रिएट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो मिला जुला कारोबार वहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैक्सीनेशन अभी वहाँ पर शुरू नहीं हुआ है, यूके में होने वाला है, रशिया में स्टार्ट हो चुका है वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर काफ़ी केसेस भी जो है कोरोना के यूरोप में अभी भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर कॉशियसनेस देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार देखे तो एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट नोट के साथ इस समय कारोबार कर रहा है, हालांकि जापानीज इंडेक्स 143 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो यहाँ पर भी फ्लैट नोट के साथ इस समय कारोबार चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स में फिलहाल एक साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग का भी प्रेशर है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के, तो अभी 161.8% का लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसको अगर ब्रेक करता है 13,550 को, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या हो सकता है, जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, वो 176.4 का होगा, जो कि आसपास 13,700 के पास आ रहा है। तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। ओवरबॉट है निफ्टी इंडेक्स, 7,200 लेवल के ऊपर ये पहुंच चुका है निफ्टी इंडेक्स। तो आरएसआई में 70 के पास जाना, यानी ओवरबॉट कैन बिकम एक्सट्रीम ओवरबॉट भी हो सकता है। और जैसे कि यहाँ पर हमने पास्ट में एनालाइज भी किया था कि 70 के लेवल के पास आने के बाद ये प्राइस एक्शन में एक करेक्शन दिखाता है, तो ये हो सकता है ओवरबॉट एक्सट्रीम ओवरबॉट बने, या फिर यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स है यहाँ पर हमसे एक प्रॉफिट बुकिंग, ये इसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हर एक नए लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करना काफ़ी ज़रूरी है।
तो ये वीकली चार्ट का सीनरी है, चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो ये जो लगातार लास्ट 7-8 दिन से हायर आए हायर लोज का पैटर्न चल रहा था, जो कि बुलिश पैटर्न है, प्रीवियस कैंडल का हाई और लो, इसके ऊपर नेक्स्ट डे का हाई और लो क्रिएट हो रहा था। लेकिन अभी ये 7-8 दिनों के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो क्रिएट हुआ है, यानी प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के नीचे करंट कैंडल का हाई और लो है। लेकिन अगर ये फॉर्मेट देखे, कैंडल स्टिक का ये पैटर्न देखे, तो यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई दोजी जैसा पैटर्न बना है, जो यहाँ पर हमने देखा था सेम उसी तरह ये दोजी यहाँ पर बना है। ये बुलिश कैंडल है क्योंकि जो इसने लंबा टेल छोड़ दिया है नीचे, इस लेवल के पास ये सस्टेन नहीं हुआ और फिर ये बाउंस बैक होकर ऊपर आया, जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोज हुआ, और जो प्रीवियस कैंडल था उसका लो इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर बुलिशनेस अभी भी कंटिन्यू है। तो अगर यहाँ से एक करेक्शन आता है, सपोज यहाँ से करेक्शन आता है, तो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर होगा, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज करके हम ये लो और हाई पकड़ के इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट 13,370 के पास होगा, वो ब्रेक होता है तो 13,250 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, निफ्टी ओवरबॉट है और ओवरबॉट कैन बिकम एक्सट्रीम ओवरबॉट ऑल्सो, तो जब तक प्रीवियस हाई को कंफर्टेबली ब्रेक नहीं करता तब तक लॉन्ग पोजिशन भी बनाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो है। चलते 60 मिनट के चार्ट में वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी अगर ब्रेकआउट लेवल देखना है तो ये जो लास्ट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था, ये जस्ट पिवट पॉइंट का जो R1 का लेवल है, इसी के ऊपर ऑल टाइम हाई क्लोज का लेवल है। ये देखिए ऑल टाइम हायर क्लोज इस लेवल के आसपास हुआ था 13,529। तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता यहाँ पर हम बाय पोजीशन नहीं बना सकते इंट्राडे के लिए। तो जब भी ये ब्रेक होगा तब हम बाय पोजीशन बनाएंगे इंट्राडे के लिए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है 13,547, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R2 का लेवल, जो कि 13,564 के पास है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो यहाँ पर पिवट पॉइंट का लेवल है आप देख सकते हैं, पास्ट में गैप अप ओपन हुआ था इसी लेवल के पास ओपन हुआ था, और यहाँ से सपोर्ट लेके और ऊपर की तरफ में हाइस क्रिएट किया था। तो यहाँ पर 13,460 हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, और इसे अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,444। ये हमारा एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 13,422, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।